गुरु का हमारे जीवन में बड़ा महत्व है। कहते हैं गुरु के बिना ज्ञान नहीं। हमारी पहली गुरु हमारी माँ होती है। वैसे देखा जाए तो जिंदगी में हम हर कदम पर सीखते हैं। गुरु कोई एक इंसान नहीं होता, बल्कि जिंदगी में हमें जिससे भी सीखने को मिलता है वो हमारा गुरु है। एक छोटा सा इंसिडेंट भी हमें बहुत कुछ सिखा देता है। सही मायनों में गुरु को डिफाइन करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। वो इंसान गुरु है जो जिंदगी को जीना सिखा दे, वो हमें हमारी खूबियों का एहसास दिला दे, हमें आईना दिखा दे, कमियों को भी ऐसे बता दे कि खुद ब खुद उन्हें सुधारने का दिल करे, हमें हर हाल में मुस्कुराना सिखा दे। ज्ञान के बिना कोई महान नहीं। भटक जाता है जब इंसान, तब गुरु ही देता है ज्ञान। ईश्वर के बाद अगर कोई है तो वो गुरु है। दुनिया से वाकिफ जो कराता है वो गुरु है। हमें अच्छा इंसान जो बनाता है वो गुरु है। बिना गुरु के जिंदगी आसान नहीं। हमारी कमियों को जो बताता है वो गुरु है। हमें इंसानियत जो सिखाता है वो गुरु है। हमें जो हीरे की तरह तराश दे वो गुरु है। हमारे अंदर एक विश्वास जगा दे वो गुरु है। जिसके पास नहीं है गुरु, समझ लेना कि वो धनवान नहीं। गुरु के बिना ज्ञान नहीं, ज्ञान के बिना कोई महान नहीं। सिखा दे, आपकी आपसे पहचान करा दे, तराश दे हीरे की तरह तुमको, तराश दे हीरे की तरह तुमको, दुनिया के रास्तों पे चलना सिखा दे, कर दे काया कल्प वो तुम्हारा, कर दे काया कल्प वो तुम्हारा, सच और झूठ से साकार करा दे, हमेशा दिखाए सच्चा मार्ग वो तुम्हें, हमेशा दिखाए सच्चा मार्ग वो तुम्हें, तुम्हें एक अच्छा इंसान बना दे, मुश्किलों से लड़कर आगे बढ़ जाओ तुम, तुम्हें वो इतना समझदार बना दे, बताए वो तुम्हें जीत जाना ही सब कुछ नहीं, हार कर जीत जाने का हुनर सिखा दे, गुरु वही जो जीना सिखा दे, आपकी आपसे पहचान करा दे। नमस्कार, सुप्रभात, वेरी गुड मॉर्निंग एंड ऑल प्रेजेंट हियर, रिस्पेक्टेड ज्योति मैम, देवश्री मैम, ऑल माय कलीग्स एंड माय डियर लवली स्टूडेंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू अप्रिशिएट ऑल दीज पार्टिसिपेंट्स ऑफ श्लोक रेसिटेशन कॉम्पिटिशन। सो प्लीज माय डियर चिल्ड्रन, गिव देम अ बिग हैंड ऑफ MUS क्लैपिंग। Thank you. Participation, as Jyoti ma'am told, that participation is necessary. Tema aaj bhi Poonam hai, lekin kal hamara ek program tha jo cancel ho gaya, isliye humne aaj hi isko is competition ko organize karne ka plan kiya tha. Ab iska jo aim, objective और जो पर्पस था इस ऑब्जेक्टिव, इस पर्टिकुलर कॉम्पिटिशन को लेकर, तो उसके बारे में थोड़ा आपसे डिस्कस करूंगी। श्लोक हमारे जीवन के एक अभिन्न अंग हैं, और यदि जिन लोगों ने गीता को सबसे अच्छे से पढ़ा है, जाना है, समझा है, तो श्री कृष्ण ने जब सारथी बनकर श्री कृष्ण ने जब सारथी बनकर अर्जुन को पूरी गीता सुनाई और उसमें उन्होंने जो पूरा उसको नॉलेज दिया, उससे अर्जुन में एक ट्रांसफॉर्मेशन आ गया था। बिकॉज अर्जुन वॉज नॉट रेडी टू फाइट विद हिज ब्रदर्स एंड ही वॉज नॉट अंडरस्टैंडिंग दैट व्हाई आई शुड डू ऑल दिस, व्हाट इज द पर्पस बिहाइंड इट, द फाइट।